हमने ये सोचा कॉन्सेप्ट के सांसदों के क्रियाकलापों का आकलन करें और फिर उसमें चुनें कि कौन बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अब अगर आप किसी भी सांसद से बात करें तो चाहे वो अच्छा कर रहे हों या कम अच्छा कर रहे हों, दावा यही होता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो हमारे लिए और मेरे टीम के लिए ये बहुत टफ था कि क्राइटेरिया हम क्या रखें जिसके जैसे हम चुन सकें और गलती कम हो। गलती की गुंजाइश तो होती ही है। तो हमने डिफरेंट क्राइटेरिया बनाया। हमने एक तो ये बनाया कि पार्लियामेंट में उनकी सहभागिता कैसी होती है, कितना वो इंट्रैक्टिव अग्रेसिव पार्ट लेते हैं, और क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता कैसी है, क्षेत्र के लोगों से वो कितना इंटरेक्ट करते हैं, कितनी बार क्षेत्र का दौरा करते हैं। तो हमने एक सैम्पल साइज डिफरेंट लोकसभा क्षेत्र का लिया और हमारे क्वेश्चनर्स थे और उसको हमने आकलन किया, उसका रिसर्च करा। उसके अलावा पार्लियामेंट में प्रेजेंस कितना है उनका, और ये सारी चीज़ों को बहुत ही लॉजिकल वे में हमने तार्किक ढंग से उसको आंका। और फिर अब हमारे लिए दिक्कत ये थी कि अब एक सर्वश्रेष्ठ सांसद हम कैसे चुने, क्योंकि वहाँ पे टफ फाइट बहुत था। तो हमने कहा कि हम डिफरेंट वर्टिकल बनाते हैं, और इसलिए हमने विभिन्न विषय पे अलग अलग 25 वर्टिकल्स बनाए, और उसमें जो श्रेष्ठ सांसद हमें लगे हमने उनको चुना। तो हमारी तरफ से कोशिश ये रही कि हम न्याय कर पाएँ। अब ये जज आप करेंगे, लेकिन मैं यहाँ जितने भी हमारे अवार्डीज सांसद हैं उनको मैं साधुवाद देता हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं और भी अच्छा करें। वैसे सांसद जिनको हम नहीं चुन पाए उनसे भी आग्रह कि आप ज़्यादा काम करें, अच्छा काम करें, क्योंकि उम्मीदें आम जनता की सांसदों से बहुत ज़्यादा होती है। थैंक यू, धन्यवाद।